8 मई से अस्त होंगे और 2 जून तक अस्त चलेंगे। 8 मई को सुबह 5:10 से अस्त हुआ ग्रह 2 जून को जाके उदय हो, 2 जून को सुबह 6:10 पर उदय होगा। तो ऐसे में 25 दिन जो हैं ये विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। आपके एकादशवें भाव में बैठकर बृहस्पति महाराज जो विशेष तौर पर आपके भाग्य के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से, जो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा इंपॉर्टेंट भावों को देखते हैं, आपके तृतीय भाव पराक्रम वाले भाव को देखते हैं, आपके पंचम भाव विशेष तौर पर जो बुद्धि का भाव है उसको देखते हैं, स्वयं लाभ वाले भाव में बैठे हैं और के साथ साथ आपके जीवन साथी आपके व्यापार के भाव को देखते हैं। 12 वर्ष बाद बृहस्पति का परिवर्तन आपकी किस्मत को जगाने के लिए हुआ और ऐसे में बृहस्पति उम्मीद जगाकर 5 दिन 6 दिन के बाद ही जब अस्त अवस्था में चले जाएंगे और उसके बाद विशेष तौर पर 25 दिन के लिए अस्त रहेंगे। तो और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये विशेष तौर पर बृहस्पति का परिवर्तन जैसे जैसे हमने आपको बताया धन हर्षोल्लास सबका उदय करने वाला बृहस्पति बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आ रहा है। लेकिन ऐसे में विशेष तौर पर आप लोगों ने उम्मीद जगाई थी कि बहुत बढ़िया तरीके से लाभ होने के योग बनेंगे, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि ग्रह कब काम करता है, इसके लिए बहुत आवश्यकता है गहन चिंतन करने के लिए। अब बृहस्पति का जो परिवर्तन है जो राशि का गोचर का प्रभाव है वो 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष के आसपास करीब करीब 12 महीने के लिए 1 राशि में रहता है। और ऐसे में बृहस्पति जब 1 वर्ष के लिए आता है तो ऐसा कौन सा समय होगा कि जब बृहस्पति आपकी राशि में काम करने के लिए स्थिति बनाएगा, उसके लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा जन्मपत्री का। जन्मपत्री में अध्ययन करके देखने में पता चलता है कि नवमांश में इत्यादि में ग्रह स्थिति किस प्रकार से। जन्म प्रेडिक्शन के तौर पे देखा जाए तो कहा जाता है कि बृहस्पति जन्म कुंडली में जितने अंश का हो जिस अवस्था में हो उसी प्रभाव में जब आपके गोचर में पहुंचेगा उस राशि में तब जाकर वो पूर्णकालिक प्रभाव को उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में अब बृहस्पति जो है उदित होते ही जैसे परिवर्तन का योग बना 1 मई को उसके 5-6 दिन बाद ही 8 तारीख को सुबह 5:10 पर अस्त स्थिति में हो जाएंगे और ऐसे में ये स्थिति करीब करीब 2 जून तक चलेगी। और ऐसे में ग्रहों की स्थिति को हमको समझना चाहिए क्या कुछ कर सकती है बृहस्पति की ये एकादशवें भाव में बैठकर। ये सब जिन जिन भाव को हमने बताया उन सब में जो शुभ प्रभाव होना था वो निष्क्रिय कर देगा, नई उम्मीद नया विश्वास नया पराक्रम उन सब में एकदम डिप्रेस कर देगा, बुद्धि में कंपेशन ला देगा, सोचने विचारने की क्षमता अंधकार में कर देगा। बृहस्पति अस्त हो ज्ञान का देवता अस्त हो गया और ऐसे में सोचें उसके साथ साथ व्यापार में भी भाव में उत्पन्न के नया रास्ता दिखाई नहीं देगा, हिम्मत करने रास्ता बनेगा ही नहीं और ऐसे में आप बृहस्पति को ताकत देने की जरूरत है। विचित्र विडंबना ये हुई है कि आपकी राशि के अनुसार से त्रिग्रह योग बनेगा इन दिनों आपके लिए। सूर्य भी परिवर्तित करके मई के मध्य भाग में आपके एकादशी भाव में आ जाएंगे, शुक्र भी परिवर्तन करते हुए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 19 मई को वहाँ योग बना लेंगे, 19 मई को शुक्र का परिवर्तन का योग बन जाएगा। ऐसे में बन गया त्रिग्रही योग। अब ये त्रिग्रही योग जो पंचम जो आपके एकादशवें भाव में बना, तीनों ग्रह विचित्र प्रभाव के विचित्र स्वभाव के, तीनों में एक दैत्य गुरु एक देवगुरु, दोनों के दोनों ज्ञानवान, दोनों अस्त, साथ में सूर्य राजा जिनका प्रभाव ही अपने आप में वर्चस्व स्थापित करने वाला है, वो वहाँ जो इनके साथ जो इसका साथ में आए उन सबको अस्त कर दे कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो क्रोध वाला ग्रह वो वहाँ पर आकर लाभ वाले भाव में बैठ गया और जहाँ क्रोध आ जाता है वहाँ लाभ की स्थिति समाप्त हो जाती है, नेत्र बंद हो गए दोनों नेत्र। यानी हम बात करें कि आमतौर पर दैत्य गुरु और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह इस वक्त अस्त आपकी राशि के अनुसार और भी समझें तो यदि हम बात करें तो आपके 12वें भाव में राहु महाराज चल रहे हैं, वो मंगल को भी अस्त करे बैठे हैं, मंगल को अपनी ग्रास में लिए हुए बैठे हुए हैं, मंगल पर ग्रहण कारक योग बना रखे हैं। तो ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति आपको समझनी चाहिए कि इन दिनों ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है और ये सारे के सारे का प्रभाव भी विश्व में इस प्रकार से दिखाई देता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब गुरु और बृहस्पति एक साथ अस्त होकर चले तो कहा जाता है कि विप्लवकारी योग देते हैं, बवंडर का योग देते हैं, या तो अतिवृष्टि देते हैं या अति सूखा देते हैं या देते हैं तो तूफान वाले ग्रह ला के उत्पन्न करते हैं। संसार में भी विप्लवकारी योग बन सकते हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं, विस्फोटक घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में अग्नि को स्थिति मंगल का राहु के साथ युति होना अग्नि का अंडों को बढ़ाने वाला स्थिति उत्पन्न करता है। तो ऐसे में हमको मनोमस्तिष्क को शांत करने की जरूरत है, फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने की जरूरत है। जब लाभ नहीं हो रहा होता है ज्ञान काम नहीं कर रहा होता तो फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन के अंदर हम लाभ को देने के लिए जैसे सूर्य वहाँ पर एग्रेसिव कर रहा है वो कार्य करने का प्रयास कर लेते हैं। ऐसे में आवश्यकता है गुरुजन की, ऐसे में आवश्यकता है हमारे हितेश सत्य सच्चे हितेशी की हमारे ऊपर अनुकंपा होने की, हमारे पिता की अनुकंपा हम पे होने की, पिता के आशीर्वाद की, पिता नहीं गुरुजन के आशीर्वाद की, हमारे एडवाइज़र के आशीर्वाद की, हमारे टीचर के हमारे आशीर्वाद की, हमारे बड़े लोगों के हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता है आपकी राशि के अनुसार से। ये उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, ये उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस वक्त
और कर्क राशि वालों को आवश्यकता है आशीर्वाद की। यदि आशीर्वाद मिल जाए, पिता का आशीर्वाद मिल जाए, तो सबसे नित्य पति जाकर पिता का सम्मान, पिता के लिए आशीर्वाद, पिता से बात करें दूर बैठे हैं तो। यदि पिताजी के योग बहुत सारे समय होता है कि नहीं है पिताजी, तो तर्पण करें उनके लिए, उनके लिए गायत्री जप कर दें। उस रूप में नहीं है तो आपके लिए उस अग्निमय स्वरूप में तो है, उस पितृ स्वरूप में तो आपके लिए साथ विद्यमान है, तो पितृ स्वरूप में विद्यमान है तो उनके लिए क्या किया जाए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करने के निमित्त पितृ ऋण से निवृत्त होइए, उनके लिए तर्पण करें। अभी हमें कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक व्यक्ति ने लिखा कि महाराज आपने उपाय बता दिया, पिता तो है नहीं, क्या उपाय करें। अरे भाई, पिता आपके वास्तविक स्वरूप में नहीं है तो चले गए हैं, तो वो आपके साथ 3 पीढ़ी तक रहेंगे आपके पितर आपके साथ, शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसलिए हर कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने पितर के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, उनके पिता और उनके दादा, यानी 3 पीढ़ी तक हमको तर्पण करना चाहिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। पिता का सेवा आशीर्वाद के लिए तो करोगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो आपका ये ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। ये दृष्टिकोण ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया। सांसारिक दृष्टिकोण से एडवाइजर्स, गुरुजन जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, जब हमारा, देखिए बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, शुक्र ज्ञान का प्रतीक है, चाहे वो नेगेटिव रास्ता हो चाहे पॉजिटिव रास्ता हो, ज्ञान के प्रतीक दोनों ग्रह हैं, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु, दोनों इन दोनों अस्त चल रहे हैं, त्रिग्रही योग बना रखे हैं। तो ऐसे में हमको आवश्यकता है अच्छे कंसल्टेंट्स को, अच्छे विचारवान व्यक्ति को, नवरत्नों को अपने साथ रखने की, उनकी सेवा करने की, उनके सानिध्य में चल के कार्य करने की, तो ये ग्रह का नेगेटिव प्रभाव आपके लिए ठीक हो जाएगा। नित्य प्रति इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ज्योतिष मुद्रा विज्ञान के दृष्टिकोण से अद्भुत मुद्रा है, बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए। समझ लीजिए कैसे, आपके हाथ में 5 उंगलियाँ हैं, ये विशेष तौर पर बृहस्पति की उंगली है, शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है, बुध की उंगली है, इनके अलग अलग पर्वत भी हैं बाकी ग्रहों के। तो आपको हम बृहस्पति के संबंध में बता रहे हैं, तो बृहस्पति को यदि अग्नि के साथ टच कर दें, ये अग्नि है, इसके साथ टच कर दें तो ज्ञान मुद्रा बन जाती है। आमतौर पर भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा इसी ज्ञान मुद्रा पोज में मिलते हैं, एक हाथ यहाँ पद्मासन में बैठे हुए और एक हाथ हृदय के पास, एक पूर्ण ज्ञान मुद्रा है, और इसके द्वारा आपके बृहस्पति को ताकत मिलेगी। हमने आज इन सब सात्विक प्रियों को तोड़ छोड़कर बस नग पहना दो पंडित जी महाराज, वो नग के नाम पे पत्थर आपको पहना देते हैं कलरफुल, जो आज की तारीख में बैंकॉक के अंदर कलर थेरेपी चल रही है, हीट थेरेपी देकर क्रिस्टल को पत्थर परिवर्तन करके, वो 2 रुपए का पत्थर आपको 2 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में, और दिखाते हैं ऐसे लोग कि देखो कितना बढ़िया नग पहन के आया हूँ। अब क्या बोलेगा सामने वाला कि भाई कहाँ से मूर्ख बन के आए हो। तो हमारा विचार आपके लिए समझ में ये है कि आप इन सात्विक उपायों को करने का प्रयास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ज्ञान मुद्रा बनेगी, शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त है बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, कहा जाता है प्रपन्न पारिजाता है तोत्र वेते पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वे नमः। गीता गायत्री की मुद्राएं करते हुए इस मुद्रा का प्रदर्शन करने की इससे है कि अंगुष्ठेन तर्जनी प्रदर्श, ये जो स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है और ये अद्भुत है, आपके लिए कल्याण करने वाली है। तो इस उपाय को कर लेंगे तो हमारा दृष्टिकोण है कि बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का योग बन जाएगा। ग्रहजन जो आपके लिए जिन जिन दृष्टिकोण से नेगेटिव प्रभाव कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रभाव करने के लिए 25 दिन का ग्रहों का अशुभ अवस्था का योग है, इसको ठीक करने के लिए उपाय आपको करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए। हमने अपने अनुभव से आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं, आशा करते हैं इनको समझेंगे और लाभ लेंगे। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएँ जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री देखी, मैं वहीं बैठा हुआ था, मुझे, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी, तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पे अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में, तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर,
उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्न आदि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब जो पीए साहब थे उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है मृत्यु योग बना रहा है वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है, तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो अवस्था ज्योतिष इतना इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हजारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं, कहाँ कब कौन सी पुस्तक कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा, बहुत वर्षों तक हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए अब इस कुछ सिद्धांतिक तौर पर यह समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक द्वीप चिन्ह था। अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्यपति ध्यान किया करो, नित्यपति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पर नित्यपति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्यपति। और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों का के कार माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमें समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्र जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं लोग, ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा नहीं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सबको। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है,
प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएँ रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है, और मैं विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य केशवदेव जी महाराज ने पिछले करीब करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम लक्ष्मीनगर जमुना पार में स्थित है। यहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी शिव विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा वो आज भी यहाँ विराजमान है, उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योग आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा, वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में ज्ञान मुद्रा में बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, कहा जाता है प्रपन्न पारी जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृद्वे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही, इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जिस एक राशि के बारे में बताया कि खराब है अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा अंतर दशाएं बहुत सुंदर चल रही हों, या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतर दशाएं जो है अशुभ चल रही हों, तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें, उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहस्त्रों, मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं, और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है, और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे सारे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।